हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति वाली और मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी मैं करने वाली हूँ एडवांस प्लेयर हेयर कट, जो कि मैं वन स्टॉप में कट करके दिखाऊंगी और उसके बाद फिनिशिंग दूंगी। एक बार में ही आप कट करोगे तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाएगा, और किस तरीके से कट करना वो आप देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इसको कटिंग स्लिप लगा रही हूँ। अक्सर मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि मैम पीछे से आप कटिंग स्लिप क्यों लगा रहे हो। अक्सर मेरे व्यूअर्स बोलते हैं कि मैम आप आगे से कटिंग स्लिप क्यों नहीं लगाते हो। तो आगे से कटिंग स्लिप तभी लगाऊंगी ना जब आपको आगे से फ्रंट से हेयर कट करना, मुझे बैक से ज्यादातर हेयर कट करना होता है। तो बैक में हेयर गिरेगा तो मुझे बैक से कटिंग स्लिप लगानी होती है। तो ड्राई हेयर कट के लिए भी बहुत ज्यादा लोग बोल रहे हैं, तो ड्राई हेयर कट में परफेक्ट कटिंग नहीं दिखती आपको। आप गीला बाल गीला करके और कटिंग करते हो, उसके बाद से जब बाल आपके सूखते हैं तो बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। आप पहले से ही सूखे हुए बालों में कटिंग करोगे तो उसका मतलब वो उसी टाइप का कटिंग हो जाएगा, और गीले बालों में कटिंग करते हो तो सूखने के बाद से अच्छा लुक आता है। और सूखे बालों में आप जितना कट करोगे ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, फिर जब बाल आपके गीले होते हैं तो वो ऊपर नीचे दिखने लग जाता है जब आप स्ट्रेट कॉम करते हो। इसलिए कभी भी बालों को गीला करके ही कटिंग करनी चाहिए। नॉर्मली आपको अगर स्ट्रेट कट करना है तो आप सूखे बालों में कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई सा भी एडवांस कट लेना है तो आपको बाल गीले करके ही कटिंग करनी चाहिए। मैं आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही ब्यूटीफुल हेयर कट दिखाने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप टीचर हैं या फिर ऑफिस वगैरह में काम करते हैं, आपको पोनी बना के रखना होता है, क्लस्टर लगाना होता है, तो आपको पहले बालों को हाई पोनी बना लेनी है। हाई पोनी यानी कि आपका जो क्राउन एरिया होता है वहां पे आपको पोनी बनानी है। तो वैसे अगर हम लोग पोनी बनाते हैं तो आप इनका देख सकते हैं ये कितना बेकार लगता है, मतलब पूंछ जैसा दिखने लग जाता है। तो इस कट में आप अगर पोनी बनाते हो या फिर ऊपर रखते हो हर स्टाइल में आपके बाल बहुत ही परफेक्ट दिखेंगे। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे एक पोनी बना लेनी है, टाइट पोनी बना लीजिएगा। पोनी बनाने के बाद फिर आपको बालों को सीधा कॉम करके लेके जाना है। मैंने यहाँ पे क्लचर लगाया, आप रबड़ बैंड भी लगा सकते हो, और आपको एकदम बालों को ऊपर की तरफ इस तरीके से पकड़ के लेके जाना है। और जितना भी आपका एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है इसको आप स्ट्रेट कट कर दोगे। ओके, इस तरीके से आपको ऊपर की तरफ एकदम इस तरीके से फिंगर में पकड़ना है स्ट्रेट, और ये जो आपका एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है इसको कट कर दो। ओके, अभी अगर पोनी भी करते हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है बाल, और इसको ओपन करेंगे तो आप इनका लुक देखते हैं। देखिए कितने ज्यादा लेयर्स आ गए, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आएगा। सिर्फ एक कट में आपको इतना फिनिशिंग मिल जाता है, बहुत ही अच्छा सा लुक दिखता है। वन कट में आपको एडवांस लेयर कट मिल गया और बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक आ जाता है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको बीच की मांग निकाल लेनी है। बस बाल दिखा दीजिएगा, बाकी कितना ज्यादा लेयर आ गया है। अब आपको सिंपली यहाँ पे थोड़े से लेयर उठा लेंगे। ओके, थोड़ा सा और लेयर आ जाएंगे, इसको काउंट करना है, 90 डिग्री पे लेके जाना है। 3 से 4 इंच तक हेयर इस तरीके से फिंगर में लेके कट कर देना। इसमें थोड़े थोड़े कट्स लगा दीजिए, इसको डॉम्पिंग बोलते हैं। इससे आपके लेयर बहुत ही परफेक्ट दिखेंगे। लुक के आप लोगों को समझ में आया होगा कि कटिंग कैसे करनी चाहिए, और लेयर पास से दिखा दीजिए। अब बस आपको इनका फिनिशिंग दे देना है।
स्लिटिंग के लिए आप लाइट यू भी कर सकते हो, डीप यू मत कीजिएगा क्योंकि डीप यू में आपका वॉल्यूम शायद थोड़ा सा कम दिखने लग जाए, तो लाइट यू कर दीजिए या फिर आप नीचे से स्ट्रेट भी रख सकते हो। तो मैंने इनका लाइट यू में किया है, स्ट्रेट से क्या होता है कि आपका वॉल्यूम अच्छा दिखेगा बालों का जब आप ओपन रखते हो, तो फोन ही बनाओगे तब तो अच्छा दिखेगा ही, लेकिन ओपन भी रखोगे तो अच्छा दिखेगा। आप बिल्कुल क्लचर लगाओ, किसी भी टाइप से आप ये अपना रख सकते हो, अच्छा दिखाने के लिए कोनी क्लचर लगाते हो तो ये इस तरीके का लुक दिखेगा। देखिए वॉल्यूम भी बहुत अच्छा दिख रहा है और आपके बालों में बहुत ज़्यादा रेयर दिख रहा है, और आप कोनी बनाते हो तो भी आपके बालों में ऐसा नहीं है कि पूंछ जैसा कहीं से दिख रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखेंगे और लेयर्स भी बालों में पूरा दिखेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये हेयर कट अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लीजिएगा। और इस तरीके की हेयर कट की वीडियो 200 से 250 तक हेयर कट की वीडियो मेरे चैनल पे अभी तक अवेलेबल है, तो आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। वैक्स की वीडियो भी आप लोगों को बहुत पसंद आती है तो उसकी वीडियो मैं डालती रहती हूँ, और बहुत सारी पार्लर से रिलेटेड सारी वीडियो मेरे चैनल पे आप लोगों को मिल जाएंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज इंडियन यूट्यूबर कृति वाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट ईयर करके साथ। एक बार और फाइनल लुक देख लो इनका।